30-40 में बना हुआ प्लान है इसमें, 30-45 में बना हुआ प्लान है इसमें। क्या कंसेप्ट है, जैसे कि यह सामने जगह है, एक हॉल कम सिटिंग आ जाएगा यहाँ पर, एक सिट आउट के जैसा इधर एक हॉल, और देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी लिया गया, और दो बेडरूम है, एक किचन आ जाएगा छोटा सा। पूरा इस वीडियो को जो है आप शुरू से अंत तक देखिए तो आपको कुछ समझ में आ सकता है, तो बने रहिए वीडियो में पूरा अंत तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है आपको प्लान के रिलेटेड बहुत सारे जानकारी आपको मिलते रहेंगे, इसी तरह से जुड़े रहिएगा। चलिए बात करते हैं इस प्लान के बारे में। जैसे 33 फीट है टोटल में, बट 30 फीट क्या है इसका कंस्ट्रक्शन रहेगा, यहाँ पूरा पार्किंग एरिया छोड़ा गया है 12 फीट, यहाँ पे 12 नौ के एक दुकान शॉप ले सकते हो वगैरह। फिर यहाँ पे एंटर हो गए, एक सिट आउट के जैसा बनाएगा इसको, एक छोटा सिट आउट, एक हॉल हो जाएगा 12x13 का। फिर देखिए वहाँ पर एक किचन 7x12 फीट का किचन लिया गया, उसके बाजू में सीढ़ियाँ लिया गया, जैसे मान सकते हैं आप डुप्लेक्स प्लान। और ये प्लान जो है ईस्ट फेस है, ईस्ट फेस का प्लान है जी। और यहाँ पर एक किचन दिया गया, फिर देखिए ये इधर एक हैंड वॉश दिया गया, इधर टॉयलेट रूम कॉमन जनरल वाला टॉयलेट बाथ लिया गया है, सीढ़ियाँ यहाँ पर ये आपका इस तरह का दिया गया। तो 12x17 3 का जो है एक बेडरूम लिया गया है, यहाँ पर जो है 13x6x12 का बेडरूम आ जाएगा। यहाँ पीछे थोड़ा सा जगह लिया गया है इधर इस तरह का, तो देखिए इस तरह लिया गया, एंड यहाँ पर कोने में क्या है टॉयलेट रूम का जैसा लिया गया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा, इन कमेंट करके बताएगा कि और आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बताएगा। इसी तरह से आपको कंस्ट्रक्शन जुड़े जानकारियाँ मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखे हैं। थैंक यू, जय हिंद।